वेट हाउसेस के आगे झुक गई है। इस बीच बीजेपी के मुखपत्र कमल संदेश के ताजा अंक के संपादकीय में बीजेपी सांसद प्रभात झा ने अरविंद केजरीवाल के सोर्स ऑफ फंडिंग पर कई सवाल उठाए हैं, यहां तक कि उन्हें विश्वासघाती बताया है, ब्लैकमेलर बताया है। हालात ये नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस आईएसी को बीजेपी का बी टीम बताती है, बीजेपी खुद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रही है। उधर केजरीवाल आज मानेसर पहुंचे, किसानों को कहा कि उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है, उसे कब्जे से निकाल ले। उनका आरोप है कि वाड्रा तो हर पार्टी के दामाद है। तो आरोप प्रत्यारोप की कहानी रोज दोहराई जा रही है, निकल कर क्या आ रहा है सामने, ये बड़ी बात है। ऐसे में हम इस पूरी स्थिति को कैसे देखें, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ केजरीवाल के खुलासों के बाद पार्टी खुलकर अपनी भड़ास निकाल रही है। पार्टी के मुखपत्र कमल संदेश में लिखा गया है कि केजरीवाल की टीम उन लोगों के इशारे पर खेल रही है जिन्हें भारत माता से प्यार नहीं। केजरीवाल का खेल करेंसी का हो सकता है, ये सुपारी किसने दी इसका पता मनमोहन सिंह सरकार को लगाना चाहिए। उनको भी जनता को बताना होगा कि जो उनके यहाँ एनजीओ चलते हैं, जिस तरह की वो गतिविधियां करते हैं, उसका वित्त पोषण कहाँ से होता है, उसकी फंडिंग कहाँ से होती है, इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर एक जैसा बताते हैं और बीजेपी को खासतौर से दिल्ली में अपने वोट खिसकने का डर सता रहा है। केजरीवाल कहते हैं कि उनकी फंडिंग का पूरा रिकॉर्ड है और बीजेपी बदहवासी में आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारे पीछे विदेशी फंड है। हमने तो अपने सारे चंदे की डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, दानदाताओं की लिस्ट वेबसाइट पर डाली हुई है। हम बीजेपी को चैलेंज करते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपने सारे 10 साल के दानदाताओं की लिस्ट वेबसाइट पर डाल के दिखाइए। केजरीवाल और बीजेपी के इस घमासान की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, जो आगे भी लंबी चलेगी। एक को अपनी जमीन बचानी है तो दूसरे को अपनी जमीन बनानी है। दिल्ली में शरद शर्मा के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है, संजय निरुपम सांसद हैं कांग्रेस के, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामदास अग्रवाल हैं बीजेपी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली स्टूडियो में मनीष सिसोदिया हैं, सदस्य हैं आईएसी के। अभय कुमार दुबे हैं, संपादक हैं सीएसडीएस के। और देवेंद्र शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, टीम अन्ना के सदस्य हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं प्रभात झा का, जो सांसद हैं, संपादक हैं कमल संदेश के। प्रभात जी, आपने जो लिखा है ये पूरा मैंने पढ़ा, कुछ चीजें जो है वो जरा अगर आप साफ कर देते तो हमारे लिए बेहतर हो जाता। आपने लिखा है कि केजरीवाल का खेल करेंसी का हो सकता है, अब जानना है कि ये करेंसी भारत की है या फिर भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों की। ये करेंसी का क्या मतलब है? करेंसी का मतलब है कि भारत इस समय उभरता हुआ राष्ट्र है, कुछ वर्षों में उसकी कुछ गिरावट आई है, बहुत सारे राष्ट्र भारत को कमजोर करने में लगे हैं और भारत तो ऐसे राष्ट्रों के हाथ से खेलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए कुछ बातें हो रही हूं? नहीं, कुछ बातें का मतलब आप जरा अगर साफ करके समझाएं, क्योंकि इतनी समझ में नहीं आ रही। आपने जो मुझे ये जो लिखा है ना संपादकीय, वो जरा कंफ्यूजिंग है। नहीं, तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं है जी, समझने वालों के लिए है। क्या आपको नहीं लगता क्या भारत डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कोई चीज हो रही है? अगर हो रही है, नहीं होनी चाहिए, इसकी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि भारत में पहले भी देखा गया है अन्ना जैसे आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। क्या अन्ना का उपयोग, क्या गांधी टोपी का उपयोग, क्या हमें राजनीति में आना था? क्या भारत में यही सब होता रहेगा? सभी पार्टियों की मुंह पे काली को तो अपने मुंह सब भारत इतिहास रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों से आगे बढ़ता है, दूसरों के मुंह पर काली कोट। नहीं, आपके कहने का जो मतलब है, अगर आप जो बता रहे हैं वो अगर मैं समझ रही हूँ, कहने का आपका मतलब है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को क्या विदेशों से पैसा मिल रहा है? मैंने सीधे सीधे कहा है, आशंका व्यक्त की है, भारत के लोकतंत्र को चोर वही कर सकते इसके किसी अन्य राष्ट्र से पैसा मिलता हो भारत के कमजोर करने के लिए। और इसका मुझे छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि भारत के पैसे का रक्त जो होता है वो भारत कमजोर नहीं करता है कभी। एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ। आपने इसमें लिखा है कि
देशवासियों के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने अन्ना का साथ छोड़कर विश्वासघात किया है। ये जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वासघात आपने लिखा है, आपने लिखा है ब्लैकमेलर हैं, आपने लिखा है कि 100-100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कुकुर मुत्ता लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ये क्या आपको सही लगता है? ये हिंदी में फ्रेजेस हैं जिसका मतलब ये लोग जो इन चीजों में लगे रहते हैं। क्या ये केजरीवाल जी 40-40 साल से 50-50 साल से लोग राजनीति कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, कल को आए हैं 10 दिन के लिए और भारत के राजनीतिकों का मुंह काला करेंगे? तरह का तमाशा चलेगा देश में? क्या इस देश में तमाशा चलेगा? क्या लोकतंत्र के नींव के पत्थरों को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी? क्या सबको पान ठहराने का भारत में क्या चेहरा बनेगा देश में? इस तरह की साजिश है। मैं निश्चित तौर पर एक आंदोलन था, हम लोगों ने भी कहा था कि बहुत अच्छा आंदोलन है, लेकिन मुझे हम लोगों ने मतलब बीजेपी ने कहा था दो व्यक्ति अन्ना को धोखा देकर अपने राज हिस्सा सकता है वो देश का नहीं, वो किसी और का हो सकता है, भारत का नहीं हो सकता। तो इसमें आपने एक चीज और लिखा है कि शरद पवार ने कहा है कि नितिन गडकरी ने कोई गलत काम नहीं किया, तो क्या बीजेपी को आज शरद पवार के सर्टिफिकेट की जरूरत है? देखिए, आपको भी प्रश्न करना, अगर शरद पवार नहीं कहते तो आपके पक्ष में कोई नहीं है, शरद पवार ने कह दिया तो हमको उसकी जरूरत पड़ गई। जब कोई व्यक्ति सच्ची बात करता है तो उनको आप आशंकाओं की घेरे में खड़ी करते हो। शरद पवार हमारी पार्टी के हैं क्या? इस देश के शीर्षस्थ नेता हैं और यूपीए के कैबिनेट के आफ्टर मनमोहन सिंह उनका ही नाम आता है। और अगर वो व्यक्ति कहते हैं कि नितिन जी का कोई लेना देना नहीं है, नितिन जी साफ हैं, उनको जमीन के मामले में कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगता है यह नितिन जी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उन कांग्रेस के समर्थन चलने वाली सरकार का एक घटक और उसके मुखिया यदि यह कहते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए यह एक सुकून है कि तुम्हारे ही घटक क्या कह रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात साफ कर दी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आप बिल्कुल मजबूत तौर पर इस आर्टिकल के पीछे, संपादकीय के पीछे खड़े, लेकिन जो कुछ भी आपने कहा है वो हम रामदास अग्रवाल से सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि जो आज की तारीख में प्रभात झा जो कह रहे हैं, जो आपके सांसद हैं और कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी को ऐसा महसूस होता है, तो क्या आप बीजेपी क्या इसके पीछे खड़ी है? क्योंकि हमने कई नेताओं से बात किया, उन्होंने कहा कि ये डिफेंसिबल ही नहीं है। देखिए, आप जो चर्चा आज कर रहे हैं इसमें दो बात को ध्यान में रखिए जी। अरविंद केजरीवाल अभी राजनीति में कुछ महीनों कुछ दिनों पहले आए हैं, अभी तक न उनकी पार्टी है, न पार्टी का नाम है, न अता है, न पता है, न ही कोई प्रोग्राम उनका क्या है देश के भविष्य के लिए, वो किस प्रकार की नकारात्मक सकारात्मक या रचनात्मक भूमिका निभाएंगे इसके बारे में अभी कुछ जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दिए देशवासियों को। इसलिए अभी केवल अरविंद केजरीवाल धूल में लठ चला रहे हैं और जिसके लग जाए उसके तकदीर की बात। अंधेरे में लठ चलाने से लाभ नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में किसी एक खूंटे पर बंध कर काम करने की आवश्यकता वर्षों से है, लोकतंत्र में आवश्यक है। और जब ये एक खूंटे से बंधे हुए थे अर्थात अन्ना हजारे जी के साथ लगे हुए थे, उस समय उनको राजनीति में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बाद में अन्ना हजारे जी से अलग होकर उन्होंने राजनीति में आने का अपना विचार व्यक्त किया है। ये उनकी मर्जी की बात है। राजनीति में देश में 50 राजनीतिक दल पहले से भी काम कर रहे हैं, एक दल और जुड़ जाएगा उसका कोई महत्व इस देश में होगा ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं है। इस भूमिका में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी को अपनी पार्टी जो बनाना चाहते हैं उसका रूप रंग, उसका चाल चलन, उसका चेहरा और उसका प्रोग्राम इस देश को पहले देना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने कालिक पोतने की भूमिका में आकर नकारात्मक राजनीति करके देश के अंदर एक प्रकार से सब लोगों को एक ही तराजू में तोलने का काम करने की जो भूल कर रहे हैं वह गलत है और उसको ठीक करना पड़ेगा। उन्हें राजनीति में अनुभव की आवश्यकता है, क्रेडिबिलिटी की आवश्यकता है,
आज केजरीवाल जी की न तो अनुभव है और न ही कोई उनका बैकग्राउंड है। नई पार्टी है और अभी आए हैं, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। मनीष, आपसे हम जानना चाहेंगे, खूंटे से बंधे थे तब ठीक थे, अन्ना के साथ थे तब ठीक थे, बहुत नई पार्टी, आपको इस पर जवाब देना। लेकिन उसके पहले मैं संजय के पास जाना चाहूंगी। संजय, लगातार कांग्रेस कहती रही है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है। आपने सुना जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है आज की तारीख में, अब आप क्या कहेंगे? कादंबरी जी, दो अलग अलग विषय हैं। एक है श्री अरविंद केजरीवाल और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अब तक केजरीवाल या अन्ना जी ये मिलकर के जो कुछ कर रहे थे उस पर खूब तालियां बजा रही थी और बहुत मजे ले रही थी। लेकिन दो घटनाएं ऐसी घटी जिसकी वजह से बीजेपी हताश हो गई है। एक तो केजरीवाल ने कहा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, तो अचानक बीजेपी को लगा कि ये अब तक तो हमारे खूंटे से बंधे हुए थे, अभी कहां चले गए भाई। दूसरा, इन्होंने नितिन गडकरी के ऊपर हमला कर दिया। निरुपम जी, हमारे अग्रवाल जी पहले सुन लीजिए, जवाब सुनिए पहले। जी, आएंगे आपके पास। जी जी संजय, अग्रवाल जी, अग्रवाल जी जरा सुनिए शांति से। तो बीजेपी के अंदर हताशा हो गई। अब नितिन गडकरी पे जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में तथ्य है, दम है, उन आरोपों को के ऊपर जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने यही हरकत पिछले दो वर्षों से चलाई है, हमारे लोगों पे रोज नए नए आरोप काल्पनिक रिपोर्टों के आधार पर लगाया और लोगों का तुम रिजाइन करो जाओ, ये सरकार रहने का कोई हक नहीं है सरकार के पास। और आज जब नितिन गडकरी पे आरोप लगे, कभी हमने लगाए या फिर केजरीवाल ने लगाए, तो भारतीय जनता पार्टी हताश होगा। उस हताशा में केजरीवाल पे इस प्रकार का आरोप लगा। अब केजरीवाल क्या चीज है भाई? केजरीवाल बार बार रोज किसी न किसी पे नए नए आरोप लगाएंगे, आरओसी के पेपर निकाल के या फर्जी पेपर निकाल करके इस तरह के आरोप लगाएंगे और बोले जवाब दो, इस्तीफा दो, जांच कराओ, निकलो यहां से, जाओ यहां से। और जब इनसे सवाल किया जाता है तो बोलते हैं कि नहीं, ये सवाल जवाब देने के लायक नहीं है। मैं एक उदाहरण के तौर पे दिग्विजय सिंह की बात करना चाह रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने इनसे 27 सवाल पूछे, इनके फॉरेन फंडिंग के बारे में, इनके एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे चरित्र के बारे में, और जब सारे सवाल उनके सामने रखे गए तो उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह है कौन जो उनके सवाल का जवाब दूं। अरे, दिग्विजय सिंह इस देश के रूलिंग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उनके सवाल का जवाब आप नहीं देंगे? और तुम कौन हो कि तुम्हारे सवाल का जवाब पूरा देश दे? आप बार बार कहते हैं आम आदमी, कौन से आम आदमी ने आपको चुन के दिया? यहां एक एमपीए एमएलए कम से कम वो तो चुनाव लड़ा, लोगों का वोट लेकर के, जीत करके आज एक जनतांत्रिक तरीके से लोगों का प्रतिनिधि बनकर काम कर रहा है। तुमने कौन सा चुनाव लड़ा? तुमको कौन से आम आदमी ने वोट दिया? कौन से आम आदमी ने तुमको अधिकृत किया है सवाल पूछने के लिए? तो आप जब सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो दोहरा चरित्र दोगलापन नहीं चलेगा। आपसे जब सवाल पूछे जाएंगे तो पूरी विनम्रता के साथ उसका जवाब देने के लिए, उसको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल। मनीष, अब आपकी बारी, आपसे बहुत सारे सवाल हो गए, लेकिन जो एक सवाल जो घूम फिर कर आया और इस आर्टिकल में भी लिखा, हालांकि इसकी भाषा से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूं, बहुत ही आपत्तिजनक मुझे लगती है, किसी के लिए भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन जो एक चीज जो निकल कर आती है, चाहे इसमें हो चाहे बार बार जो आता है, कि जो नितिन गडकरी के खिलाफ जो खुलासे हुए, क्या वो सिर्फ खुद को इक्वी डिस्टेंस दिखाने के लिए कि हम सभी पार्टियों से दूरी हम बनाए रख रहे हैं? दिखाने के लिए कुछ होता तो बहुत कुछ किया जा सकता है। दिखाना भी जरूरी है राजनीति में, दिखाना भी जरूरी है राजनीति में, दिखाना जरूरी है, लेकिन दिखाने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। पर अगर कोई सच सामने आता है, कुछ कागज सामने आते हैं, तो उनको देश के सामने रखना जरूरी है, उनको मीडिया के माध्यम से या किसी भी रूप में देश के सामने आना बहुत जरूरी है। मैं ना तो संजय जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, ना उससे पहले रामदास जी भी यही बोल रहे थे कि हैं कौन, चुना किसने है, हो कौन तुम लोग। अरे, मैं इस देश में पैदा हुआ एक आम आदमी हूं जो टैक्स देता है, जो इस देश में एक नागरिक की तरह रहता है। मैं क्या इस देश में सिर्फ सांसद या चुने हुए लोग ही सवाल पूछेंगे? क्या भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार है इसे कम करो ये कहने का अधिकार सिर्फ चुने हुए लोगों को है या अनुभव रखने वाले राजनीतिकों को ही? जवाब दीजिए संजय जी, अभी बता रहे हैं। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप बैठा हुआ था, सुन रहा था कि आप क्या क्या कहते हैं। तो क्या सिर्फ चुने हुए लोग या अनुभवी राजनीतिक ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, बाकी सब लोग चुप बैठे रहेंगे? मैं इस पर इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहते हुए कि एक पैसा भी आंदोलन में विदेशी नहीं है, बीजेपी को यह उम्मीद थी कि ये एक दीवार है सरकार की, वो उस पर कांग्रेस लिखा हुआ है, ये आंदोलन वाले इसको पोतपात के वाइट करेंगे, कुछ हंगामा करके उस पर हम आएंगे और बीजेपी लिख देंगे। जिस दिन इनको लगा कि अब इस दीवार पे बीजेपी नहीं लिखा जा सकता है, तो उस दिन से इनका रोना शुरू हो गया।
ये तो ये लोग हैं, वो लोग हैं, कांग्रेस की टीम है, कांग्रेस के कहने पे चल रहे हैं, ये शुरू हो गए। दिग्विजय सिंह जी की जहां तक संजय जी ने बात की है, दिग्विजय सिंह जी को हम कई बार कह चुके हैं कि आपने जो सवाल उठाए हैं वो आपकी सरकार के पास में है, उनके 27 सवाल के आप 270 पूछ लीजिए, लेकिन सवाल तो ये है कि जो जिन सवालों को आपकी सरकार 100 बार पूछ चुकी है, जांच कर चुकी है, मीडिया में उठा के पूछा जा चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा चुका है, हम जवाब दे चुके हैं, उनको फिर से जब रॉबर्ट वाड्रा की बात करते हैं 27 सवाल, नितिन गडकरी की बात करते हैं 27 सवाल, हम इसकी सलमान खुर्शीद की बात करते हैं फिर 27 सवाल, अरे पहले उन सवालों के भी जवाब दे दो, देश ने आपके सामने रखे हुए हैं उन सवालों के जवाब, जो जो सवाल आपने पूछे हैं हम सबके जवाब दे चुके हैं और चुनौती भी दे चुके हैं कि आइए जनता में भी जवाब देने को तैयार है। और क्या दिग्विजय सिंह, दूसरी चीज मैं संजय जी से पूछना चाहता हूं कि आपके नेता ने, दिग्विजय सिंह जी ने जो सवाल उठाए वो कांग्रेस की ओर से उठाए हैं या अपने व्यक्तिगत तौर पर उठाए हैं या भारत सरकार की तरफ से उठाए हैं, आपके बारे में, आपके पास इसके बारे में क्या जानकारी है? मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इस कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनको पूरा हक है पूछने का, बिल्कुल, और उन्होंने कांग्रेस के नेता के तौर पे सवाल पूछा है ये। मैं स्वयं एक कांग्रेस के व्यक्ति होकर के इसका समर्थन कर रहा हूं। तो अगर उनको ये लगता है कि आपका दोगला चरित्र हो सकता है मनीष, आपका दोगला चरित्र हो सकता है, सुबह कुछ शाम को कुछ, हमारा दोगला चरित्र नहीं है। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आपने सवाल खड़ा किया और उस सवाल से इत्तेफाक रखते थे कि हाँ इस देश में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं थे। तो संजय जी ये बताइए, सरकार के खिलाफ थे, आप कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे। संजय जी ये बताइए, सारे सवाल बाद में, ये सारे सवाल दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की रूलिंग पार्टी मिलकर हमारी जांच क्यों नहीं करा रही है? हम तो लिख के दे चुके हैं सरकार को कि हमारी जांच करा लो। अच्छा, उन्हीं सारे मुद्दों में कह चुके हैं जो दिग्विजय जी ने उठाए हैं, लेकिन जांच नहीं करा रहे, उठ के सवाल पूछ रहे हैं। सारा उन सारे सवालों के जवाब, सुन लीजिए, उन सारे सवालों के जवाब अभी एनडीटीवी पर आप देख लीजिए, हमारा बाकायदा उन्होंने वेबसाइट को उठा के चला रखा है। एक एक 50 रुपए के अगर 10 नोट भी किसी डोनेशन में आए हैं तो उस पर आगे लिखा हुआ है 50 रुपए के 10 नोट, यानी 500 रुपए डोनेशन में मिले, ये हमने लिखा हुआ है। आप कांग्रेस के बता दीजिए, कांग्रेस की किस बारे से, कांग्रेस की किस वेबसाइट पे ऐसा हिसाब कांग्रेस का है ये बता दीजिए, और बीजेपी वाले बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की कौन सी वेबसाइट पे ऐसा हिसाब है बता दीजिए। ठीक है मनीष, एक मिनट मनीष, एक मिनट मनीष, चारित्रिक नैतिकता का सवाल दिग्विजय सिंह ने खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होने के बावजूद पिछले कई वर्षों से, मेरे ख्याल से 21 वर्ष का सवाल है, अगर गलत हो तो करेक्ट करिएगा, दिल्ली में ही है। इस सवाल की क्या, इस सवाल का हम जांच क्या करेंगे? आपके ऊपर नैतिकता का प्रश्न खड़ा हुआ, आपको जवाब देना है। आप बोलते नहीं कि दिग्विजय सिंह के सवाल का जवाब देने लायक मैं नहीं समझता, फिर मुझे सवालों में नहीं, 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 लेकिन आपको फॉरेन फंडिंग मिली है, जरूरी आपको फॉरेन फंडिंग मिली है, उस फॉरेन फंडिंग की हम जांच क्या करें? आप बताएं किससे लिया आपने और क्यों लिया, और उस फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल देश के हित में आपने हित में किया, ठीक है, कौन सा काम कर रहे हैं? देश को बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं आप? आप सुन लीजिए, मैं मनीष देखिए, फॉरेन फंडिंग आंदोलन को एक पैसे की नहीं मिली, बार बार कह लीजिए, वेबसाइट पर देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, एक संस्था थी, जब मैं 2005 में मैं चैनल में काम करता था, उसके बाद में मैंने फिल्में बनाने का काम शुरू किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे फिल्में बनाने का काम शुरू किया, उसके लिए कुछ फॉरेन फंडिंग ली, और उसका पाई पाई का हिसाब वेबसाइट पे भी है, होम मिनिस्ट्री के पास भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी है, और मीडिया में भी दे चुके हैं कई बार, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, लेकिन आप सिर्फ सवाल मत पूछिए, यह भी बताइए कि दिग्विजय सिंह जी ने या इस सब लोगों ने पहली बात तो जांच क्यों नहीं कराई, और अगर आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल 50 साल 50-60 साल से जितना भी आप लोग कह रहे हैं, हालांकि उसको 5-7 साल से ज्यादा हुए नहीं, 8 साल से, अगर वो दिल्ली में रुका हुआ है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की भी गलती है कि कोई आदमी गलत तरीके से दिल्ली में रुका हुआ है। संजय आपके पास आई हूं, पहले मैं देवेंद्र शर्मा के पास जाना चाहती हूं, एक सवाल काफी दिनों से चला, एक मिनट देवेंद्र शर्मा के पास मैं जाना चाहती हूं, उनसे पूछना चाहती हूं कि ये भी बात बार बार उठ रही है, चाहे बीजेपी की तरफ से चाहे कहीं, कि आप बात सुनिए जी, देखिए बात सुनिए आप, ऐसा नहीं है, मैं देवेंद्र शर्मा से पहले पूछना चाहती हूँ कि वो आज टीम अन्ना से जुड़े हुए, टीम अन्ना के जो पूर्व सदस्य थे वो टीम केजरीवाल हो गए हैं, क्या फर्क दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, आप हम लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारा मकसद एक ही है, फिर जो बार बार ये बात निकल कर आती है उस पर आप लोग क्यों कुछ नहीं कहते? इन्होंने कोई मकसद पता ही नहीं देश के लिए, कोई सकारात्मक बात ही नहीं की अभी तक के, कौन सी राजनीति करना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं,
देश के आर्थिक विकास के लिए क्या प्रोग्राम है, देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अब इनका क्या प्रोग्राम है, महंगाई कम करने का क्या प्रोग्राम है, ऐसा तो कुछ बताते नहीं है। सवाल तो आपने उनसे पूछा। भारतीय जनता पार्टी का 9 राज्यों में क्या प्रोग्राम है, जहां जहां सरकार है लूट हो रही है वो तो सबको दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 9 सरकारें लगातार लूट रही हैं, आपका उस लूट के अलावा कोई कार्यक्रम है क्या कहीं पे? अभी 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 जो है केजरीवाल जी, केजरीवाल जी अभी आप पूछा था, अभी आप राजनीति में आए हो, अभी एक महीना नहीं हुआ। देवेंद्र शर्मा जी आपसे जानना चाहते हैं कि टीम अन्ना और टीम केजरीवाल आज की तारीख में अलग अलग है। अग्रवाल जी एक मिनट, आप अकेले नहीं बोल सकते, ये डिस्कशन है, मोनोलॉग नहीं है। के पास में उसके अग्रवाल जी आप एक मिनट रुक जाइए, आपके पास आएंगे हम। देवेंद्र शर्मा जी, हाँ जी जी, आपसे हम पूछ रहे हैं कि टीम अन्ना आज की तारीख में टीम केजरीवाल हो गई है। आप लोग कभी, आप राजनीतिक पार्टी है नहीं, कोई कॉम्पिटिशन होना नहीं चाहिए, आप कुछ भी नहीं बोल रहे। देखिए ऐसा है कि पहले तो जो भी डिस्कशन चल रहा है उसकी बात करें कि जो ये इन्होंने कहा है भाजपा और कांग्रेस का जो दुख और दर्द है वो मैं समझता हूं। पहली बार 60 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी ने आज इन पे खड़े होकर इल्जाम लगाए हैं, इन पे क्वेश्चन उठाए हैं, और मुझे लगता है कि ये भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। आज हम जहां पहुंच गए हैं कि कम से कम जनता आज उठ खड़ी हुई है और उस पॉलिटिकल सिस्टम को जिन्होंने ये मान रखा था कि हम ही डेमोक्रेसी नहीं है वो डेमोक्रेसी होगी थी, उस सिस्टम को आज सवाल उठने शुरू किए हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं हो सकती, और ये इसलिए हुई है, चाहे वो स्वामी रामदेव की मूवमेंट शुरू हुई, चाहे अन्ना जी की शुरू हुई, फिर अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल अपना रूप अख्तियार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इनमें पॉलिटिकल पार्टीज को क्या बोलने की जरूरत है कि साहब अपना एजेंडा लेके आइए, आप हमें देश का बताइए। अरे भैया, अगर वो कुछ भी नहीं है तो चले जाएंगे, आप घबरा क्यों रहे हैं, आप इतने क्यों घबराए हुए? घबराए इसलिए हुए हैं कि हमाम में ये सब नंगे हैं, और बड़ी हिम्मत की है। वो दुष्यंत जी ने कहा था कि आसमान पे कौन कहता है छेद नहीं हो सकता, पत्थर तो मार के देखो। मुझे लगता है कि वो पहली बार हुआ है कि इस देश में पत्थर मारने वाले खड़े हुए हैं। इन दैट सेंस ये अगर फिगरेटिव तरीके में कह रहा हूं कि जिन लोगों ने उठ के सवाल खड़े किए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिस देश का प्रधानमंत्री और आधी कैबिनेट जो है, कम से कम 15-16 मंत्री जो हैं, वो इन्वॉल्व हो, जिसके ऊपर सवाल उठाए गए हों, और वो कहे कि साहब हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, तो बड़ा विचित्र लगता है। जो आपने सवाल किया कि टीम अन्ना और टीम केजरीवाल, देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि अन्ना जी ने कई बार कहा है कि ये पॉलिटिकल रास्ता है, अन्ना अपनी टीम का गठन अब कर रहे हैं, अभी वो ऑपरेशन से आए हैं, और अभी कुछ दिनों में देखेंगे कि वही मूवमेंट जो है वो दोबारा आएगा। और ये इसमें कहीं आप ये मत सोचिए कि कहीं विरोधाभास है या कहीं अलग अलग होकर चल रहे हैं। हम इनके सपोर्ट करते हैं केजरीवाल जी की, जहां वो देखते हैं कि भाई इतनी हिम्मत से जो उन्होंने उठाया है आज सवाल, उस बात को दाद देनी होगी। और ये नहीं तो आज तक ये सारे इश्यूज कभी कभी उठे नहीं आए। और ये पॉलिटिकल सिस्टम, संजय जी कह रहे हैं, अग्रवाल साहब कह रहे हैं, इन लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर देश को लूटा है आज तक, और यही सवाल जो है आज देश के सामने खड़ा है। मंत्री से लेकर क्लर्क तक आज भ्रष्ट है इस देश में। अभी जो आपसे जानना चाहेंगे, अभी तो नीचे वाले सिस्टम में जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में हमने वो नवाबों की कहानी सुनी थी, पहले आप, लेकिन आज जांच के मामले में हो रहा है कि पहले आप। देखिए ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, उन्हीं से मिलते जुलते मुद्दे पहले टीम अन्ना की तरफ से उठा करते थे, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां उन मुद्दों की आलोचना करेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसी जगह घेरना चाहते हैं जो राजनीतिक पार्टियों ने उनके लिए खाली की है। अब वो उनकी आलोचना करेंगी, तो आलोचना करना उनका अधिकार है और लोकतंत्र में ही होना ही चाहिए। आपके चैनल पर जो भी बहस चल रही है और जितनी भी बातें अभी तक उठाई गई हैं, मैं समझता हूं सारी राजनीतिक आलोचनाएं हैं, हम लोग उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये जो लिखा हुआ है कि केजरीवाल के पीछे कहीं विदेशी करेंसी का खेल तो नहीं, इसको मैंने पूरा पढ़ा। संजय जी भी पत्रकार रह चुके हैं, मैं भी बहुत दिनों तक पत्रकार रह चुका हूं, आप भी पत्रकार हैं, और टीवी पे आने से पहले और सोशल साइंटिस्ट बनने से पहले तो हम लोग अखबारों के कॉलमों में लिखने वाले लोग हैं। इसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और जो बातें कही गई हैं वो तो आश्चर्य रूप से बहुत ही फूहड़ किस्म की हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र है कमल संदेश। भारतीय जनता पार्टी को तो अच्छी पत्रकारिता का एक नमूना पेश करना चाहिए। अगर इस संपादकीय को हम किसी मीडिया संस्थान में ले जाएं, मास कम्युनिकेशन किसी सेंटर में ले जाएं और वहां पर कहें कि भाई ये बच्चों को पढ़ाओ जो नए पत्रकार बनना चाहते हैं, ये एक नमूने का संपादकीय है उसको पढ़ाओ, तो बच्चे तो उसको देख के कहेंगे कि हम तो पत्रकार बनना ही नहीं चाहते अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा। तो ये जो कहा गया है ये भारतीय जनता पार्टी के हितों को सिद्ध करने वाला संपादकीय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के हितों को हानि पहुंचाने वाला संपादकीय है।
सबसे पहले तो मेरा निवेदन यह है रामदास जी से, जो कि बहुत रामदास जी ने जितनी भी बातें अरविंद केजरीवाल उनकी टीम की आलोचना में कही वो एक जायज राजनीतिक बात है जी। वो राजनीतिक अरविंद केजरीवाल की आलोचना हो अच्छे ठोस तर्क देकर उनकी परिघटना को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए। मैं भी उस लेख को गंभीरतापूर्वक पढ़ना चाहूंगा ताकि मुझे भी उसके अंदर से एक मजबूत तर्क मिले। अपने लोकतंत्र में सड़क पर जो एक परिघटना हो रही है उसको समझने का मुझे भी एक तर्क मिले। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है, यह तो राजनीति भी नहीं है, यह पत्रकारिता भी नहीं है, ये क्या है? इसका जवाब तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी वालों को देना चाहिए। अग्रवाल जी बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो खुद बीजेपी के लिए ही डैमेजिंग है। देखिए इसके लिए तो प्रभात झा आपके पास बैठे हुए हैं। नहीं यहाँ नहीं बैठे हुए, फोन पर थे वो जी। प्रभात जो भी है प्रभात झा इसका जवाब दे रहे हैं और उन्होंने जवाब दिया है। किसी के लेख के ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं प्रभात झा का लेख नहीं है, बीजेपी का कमल संदेश है जी। इसमें प्रभात झा का लेख 50 साल से राजनीति, रामदास जी एक मिनट, रामदास जी 50 साल के नीचे प्रभात झा के दस्तक नहीं है। सुनिए रामदास जी एक मिनट, 50 साल से रामदास जी एक मिनट, 50 साल से मैं भी राजनीति में हूँ। देखिए इसके नीचे प्रभात झा के दस्तक नहीं है, ये आपकी पार्टी के मुखपत्र का संपादकीय है। आप जाने छोटे 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 शहरों में ब्लैकमेल करने के पर्पज से तलवार के बल पर चिंगारी टाइम स्टाइल के अखबार निकलते हैं उसमें जो फुअर चीजा लेना लोगों की होती है पैसे वसूलने के लिए, ये उस टाइप की भाषा है, ये शब्दावली तो बहुत ही शर्मनाक है। अग्रवाल जी आप 50 साल से राजनीति में हैं इसीलिए आपसे ये पूछ रहे हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आप ही बता सकते हैं कि कितना डैमेजिंग हो सकता है राजनीति की, राजनीति का स्तर आप बता सकते हैं। जब जब प्रभात झा स्वयं मौजूद है तो मैं नहीं, यहाँ पर मौजूद नहीं है, बीजेपी की तरफ से आप हैं। आपने आपने उनका फोन लिया हाँ, उसके बाद वो चले गए इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता के तौर पे हम आपसे अपील करते हैं कि इस तरह की चीज के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जिसने लिखा है लेख अगर उन्होंने लिखा है तो उसकी जिम्मेदारी उन पर है, उसका जवाब देना। यानी हम ये समझ कर चले कि बीजेपी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। मेरी बात सुनिए आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात तो सुन लो। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कमल संदेश भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र ऐसा माना जाता है तो उसके अंदर शब्दों का चयन ठीक प्रकार से होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ लिखना भी चाहते हैं तो हमारे पास अच्छे शब्दों के चयन करने का मौका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, अरविंद जी राजनीति में आए हो तो राजनीति में आने के पहले जो एक कुछ सीढ़ियां हैं उन पर तो चढ़ो। आप सीधा आकाश में चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये बात तो आपकी सही जाओगे, बात आपकी सही हो सकती है, आपका दूर दूर दूषित हो जाएंगे आप। रामदास जी बात आपकी सही है, लेकिन आप राजनीति का आलोचना कीजिए, काम कर रहा है तो कुछ है तो देखिए। सुनिए बात, आप बात सुनिए एक मिनट, रचनात्मक और सकारात्मक बात के बगैर राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। तो क्या ये रचनात्मक और सकारात्मक बात है? ये आपके हेडेक नहीं है, राजनीति के ऊपर आघात करके राजनीति को करेक्ट नहीं कर सकते। रामदास जी क्या ये रचनात्मक और सकारात्मक है? ये आपका काम नहीं है ना राज, ये रचनात्मक और सकारात्मक बात करेंगे तो राजनीति में इनको फिर भी कुछ जगह मिल जाएगी। ये रचनात्मक और सकारात्मक केवल सिर फोड़ने का काम करेंगे, आरोप आक्षेप का काम करेंगे तो इनके भी कुछ दिन बाद जैसे और चीजें चुप गई हैं इनका भी काम पूरा हो जाएगा। ठीक है चलिए, आप एकदम बिल्कुल सपाट नहीं रखते हैं ये मानते चल रहे हैं। रविंद्र शर्मा जी आप कुछ कह रहे हैं जी? जी मैं ये कह रहा था कि अग्रवाल साहब को एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, घबराए क्यों हुए हैं वो? हाँ। अगर अरविंद अगस्त में अपने प्रोग्राम में नहीं सक्सीड करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात, एक मिनट में कह लूँ, अग्रवाल राजनीति में आए नहीं, अग्रवाल वोट आपके पास, मैं बात पार्टी राजनीति करते हैं, क्या घबराएंगे हम? आप कितने ताकतवर हैं, आपके पास क्या है? अगर बाकियों को भी बोलने की जरूरत होती है, इसमें चुप हो जाइए, औकात को जमाइए, आपको चुप रहने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, आप अपनी बात रख चुके हैं जी। देवेंद्र शर्मा जी, जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सवाल जो बार बार उठा है कि जो फॉरेन फंडिंग जो आई थी अरविंद के लिए या बाकी एनजीओ के लिए आती है उस पर सवाल उठाए गए हैं। हाँ। ये बड़ा विचित्र सिचुएशन है क्योंकि जब देखिए फॉरेन फंडिंग जो एनजीओ को मिलती है
वो सारी अकाउंटेबल होती है, लेकिन जो सरकार जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे ही आज सरकार का पूरा जोर है, तो कहीं सवाल नहीं उठ रहा कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आ रही है। ये बड़ा विचित्र सवाल है कि अरविंद को अगर फॉरेन से पैसा आया तो सब सवाल उठाते हैं, या मुझे कभी पैसा आया, किसी और को आया, लेकिन सरकार को जब फॉरेन से पैसा आता है तब क्यों नहीं चर्चा में आता कि ये फॉरेन फंडिंग कहां से आ रही है, इसके क्या उद्देश्य है, इसकी क्या पॉलिटिक्स है, क्या वो देश की पूरी इकोनॉमिक्स को उसमें पूरा उसने टेंट किया हुआ है, क्या हो रहा है, इस पर सवाल क्यों नहीं उठता है। उसमें दोनों पार्टियां भी इन्वॉल्व है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, इन दोनों ने संजय नहीं 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 कादंबरी जी, ये जो सवाल पूछा गया बहुत ही सेंसलेस किस्म का सवाल है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है कि सरकारें एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेती है सरकार में डेवलपमेंट का काम करने के लिए, लेकिन कोई प्राइवेट लेवल पे कोई एनजीओ लेता है तो तरह तरह के सवाल उठेंगे उठेंगे, क्योंकि एनजीओ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये जानने का हक, समझने का हक सबको। मूल मुद्दा क्या है, मूल मुद्दा क्या है, मनीष कह रहे हैं कि आपकी सरकार है आप जांच क्यों नहीं कराते, मतलब आप में और नितिन गडकरी में फर्क क्या है, आपको लगता है गड़बड़ है, आपने आप एक मिनट मनीष मनीष एक मिनट प्लीज संजय, नितिन गडकरी पे जब आरोप लगा तो नितिन गडकरी ने बेशर्मी से यही कहा कि हम जांच के लिए तैयार हैं। अरे कोई मेहरबानी कर रहे हो क्या, जब तुमने घोटाला किया तो जांच होगी होगी, और यही बात केजरीवाल कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने जांच करा लो। संजय सब पर अप्लाई करती है चाहे वो कोई भी हो, संजय ये बात सब पर अप्लाई करती है चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता हो, कादंबरी पूरा हिसाब उसके बाद फिर भी कादंबरी जी, तो आप कम से आपसे मेरा निवेदन यह है कि केजरीवाल जी एंड केजरीवाल जी के साथ ही आप अपने आप को दूध के धूले साबित करने में मत लगो, आप अगर हमाम में सब नंगे तो तुम भी नंगे हो चुके हो, स्वीकार करो, आइए ना घोटाले आपने किए हैं, मैदान में ट्रांसपेरेंसी के मैदान में आइए, देखते हैं कौन कितना नंगा दिखता है। फॉरेन फंडिंग लेकर के आपने देश को, मनीष एक मिनट, फॉरेन फंडिंग लेके देश को डिस्टेबलाइज करने में आप लगे हुए हैं, पूरे जो जनतांत्रिक व्यवस्था है उसको जब भी किसी लगने में लगे, ये बात जो है अगर घूम फिर के वहीं आ जाती है, होनी चाहिए ठीक है, मुझे लगता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे सुननी है, जब जब किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है नेता खतरे में नहीं पड़ता, लोकतंत्र खतरे में पड़ने लगता है, और कौन सा लोकतंत्र जिसको वो लोकतंत्र से चलाते हैं। रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए, बहुत जरूरी है, लौटेंगे और हम पूछेंगे आपसे भी और संजय से भी कि आज की तारीख में ऑपोजिशन कौन है। आज की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है और हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, कमल संदेश में जो संपादकीय निकला है उस पर भी हमने बात की, और इस सेगमेंट में हमारे पास वक्त कम है लेकिन संजय के पास सबसे पहले हम जाना चाहेंगे, संजय आज की तारीख में कांग्रेस का ऑपोजिशन कौन है, बीजेपी है या इंडिया अगेंस्ट करप्शन है? सभी है, यही ऑपोजिशन, मतलब हमारे खिलाफ बोलने वाले लोगों की कोई कमी थोड़ी है, बीजेपी के भी लोग बोलते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के भी लोग बोलते हैं, और अगर सकारात्मक तरीके से ये देखिए, अगर पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर देखें तो बीजेपी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो सिर्फ मतलब एक भोपू बनकर के सुबह शाम पर्सनल अटैक करने के अलावा तो इनके पास कुछ काम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, बस हर आदमी करप्ट है सिर्फ ये ईमानदार है जी, ये इस तरह की बातें कुछ दिन चलती है, कुछ दिन सिचुएशन क्रिएट कर सकती है लेकिन बहुत लंबे समय तक ये सरवाइव नहीं करती इस तरह की बातें, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सत्ता में हैं, अगर हमसे गलती होगी तो आलोचना करने का हक सबको है, लेकिन उस आलोचना में एक दम होना चाहिए, आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, दुर्भाग्यवश चाहे बीजेपी हो या इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो, इनका कोई रचनात्मक आलोचना नहीं चल रहा है, बल्कि सिर्फ आरोप ही आरोप चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप में भी बहुत ज्यादा दम नहीं होता है, हाँ एक सेंसेशन क्रिएट करने का कार्यक्रम चल रहा है। मनीष आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने कई बार कहा है कि जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो सभी पार्टी गैंगअप कर जाते हैं, फिर आप अकेले पड़ जाते हैं, अब जो संजय कह रहे हैं कि आपको वो ऑपोजिशन मानते ही नहीं है क्योंकि अभी आप कुछ है नहीं, और जो अग्रवाल जी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने अभी ब्रेक पर जाने के पहले कहा कि आप तो अभी सवाल उठाने लायक भी नहीं है। संजय जी माने या ना माने लेकिन इस देश में अपोजिशन को जो काम करना चाहिए था, हाँ इस देश की जनता ने कुछ सांसदों कुछ विधायकों को संसद में विधानसभा में भेज रखा है, लेकिन वहां जिनको जो काम करना चाहिए वहां वो करते नहीं है, जिन प्रश्नों को हमने उठाया, जिन कागजों को लहरा लहरा के हमने सवाल पूछे कि ये बताइए रॉबर्ट वाड्रा के बारे में, ये बताइए सलमान खुर्शीद के बारे में, वो संसद में क्यों नहीं उठते, वो विधानसभा में क्यों नहीं उठते, बिजली के मुद्दे से लेके दिल्ली में बिजली के मुद्दे से लेके तमाम चीजें विधानसभा और संसद में नहीं उठ रही है,
कहां चला गया विपक्ष? तो इसलिए ये बात हो रही है कि विपक्ष कौन है। लेकिन जो मुद्दे उठाए, संजय जी की बात ठीक है कि रचनात्मक होना चाहिए, पर जब सरकार का हर काम ध्वंसात्मक निकल रहा है, सरकार का हर काम ये निकल के आ रहा है कि या तो ये करप्शन के लिए था, किसी नेता को फायदे के लिए था, या किसी बिजनेसमैन को फायदे के लिए था, तो फिर बात तो उठानी पड़ेगी। ऐसा मनीष ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं सर, उन कामों में अगर तकनीकी तौर पर कानूनी तौर पर कुछ गलत है, बिल्कुल आपको कहने संजय जी, जब आप छवि सुधारने के सनसनीखेज पैदा करने के लिए आपको करना है तो करिए। संजय जी, छवि सुधारने के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, उसकी भी हवा निकल जाती है, उसमें भी तीन चार मंत्रियों का मामला ऐसा हो जाता है कि उस सरकार की हवा निकलने लगती है, उसमें भी क्या करें हम, वो बात तो रखनी पड़ती है। अगर उन आरोपों के आधार पे आप एक राय बनाते हैं तो सबसे पहले केजरीवाल को सार्वजनिक जीवन से एक वो कर लेना, संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आरोप उन पे भी लगे हैं, उन पे भी धांधली के आरोप लगे हैं, उन पे भी चारित्रिक अनैतिकता के आरोप लगे हैं। तो इन आरोपों के आधार पे अगर जीना है, लेकिन केजरीवाल आपको कह रहे हैं ना जी, में नहीं बात करनी चाहिए, केजरीवाल तो आपको कह रहे हैं बार बार कि आपको जिससे जांच करानी हो करा लीजिए, और जो जो सूचना है वो हम पहले दे देंगे, ऐसा नहीं सिर्फ जांच करा लीजिए। जांच की बात कभी रुके ही नहीं, लगातार नहीं, अपने बारे में तमाम सूचना देने के बाद ही यही कह रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ जी, संजय आपके पास जाएंगे, देवेंद्र शर्मा आपके पास सब यही कह रहे हैं कि जांच करा लो, के सिंह ने जो कुछ कहा है सब यही कह रहे हैं कि जांच करा लो, आप तो वो भी नहीं कह रहे, आप वाड्रा की जांच नहीं करा रहे, फर्क क्या है? आप वाड्रा की सलमान खुर्शी कि किसकी जांच करा रहे हैं, बताइए। ये रुकने वाला नहीं है, पहले आप यहाँ पर जांच हो रहा है, लगातार हम ये देख रहे हैं, संजय भी यही बोल रहे हैं और मनीष कह रहे हैं कि हमने सब रख दिया, अब आप करा लो, ठीक है। देवेंद्र शर्मा, आपके पास हम आना चाहते हैं कि जो वीके सिंह ने जो बोला है, एक पूर्व सैनिक जब इस तरह की बात करता है तो क्या कहीं ना कहीं ज्यादा चिंता की बात है? देखिए, इसमें एक चीज जो स्पष्ट होनी चाहिए कि आपने कहा कि आज ऑपोजिशन कौन है, मेरा मानना है कि आज ऑपोजिशन पहले देश में वी द पीपल, पहली बार लोगों को यह एहसास हुआ है कि वो आज खड़े हो सकते हैं, सत्ता पार्टी या जो भी विपक्ष है उसके खिलाफ भी आज खड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चेंज हुई है, ये आजादी में 65 साल बाद पहली बार ये एक माहौल जो देश में बना है वो उसका एक सबसे बड़ा मुझे लगता है सक्सेस जो है, इस सारे माहौल जो जिससे चेंज हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। रहा आपने वीके सिंह जी का कहा, देखिए वीके सिंह ने जो बात कही है उसमें बहुत बड़ा दम है, अगर आप उसको बात को समझने की कोशिश करें कि आज सरकार बिल्कुल कॉरपोरेट के एजेंडा पे चल रही है। हमारी सरकार डेमोक्रेसी ऑफ द इंडस्ट्री बाय द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री बन चुकी है। प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन फिकी या सीआईआई के साथ होते हैं, कभी कभी सुना आपने कभी गांव गए हो, 2,90,000 किसान मर चुके हैं, प्रधानमंत्री के पास कभी समय नहीं रहा जाने के लिए। बहुत स्पष्ट है कि कॉरपोरेट के कंट्रोल में, यही वीके सिंह जी ने कहा, यही अन्ना जी ने कहा, यही अरविंद कह रहे हैं कि यह कॉरपोरेट कंट्रोल से जो सरकार चल रही है ये देश के लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए जो सरकार काम कर रही है, और ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज जो विकास ने कल दिया है, मुझे लगता है कि वो देश समझ रहा है उस बात को, और ये इसका आगे उसका जानकारी को दुरुस्त कर सकता हूं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी गांव में नहीं गए, मैं गवाह हूं, विदर्भ में जाके 3 दिन रहे, गांव-गांव का दौरा किया, उसके बाद हमने पिछले यूपीए की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज की बात कर रहे हैं, ताकि हमारे ठीक है। संजय, आपने क्लियर कर दिया, अभी जी आप गलत जानकारी आपसे जानना चाहती हूं कि आज जो देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि हैज दिस बिकम पीपल वर्सेस गवर्नमेंट, क्या सरकार और जनता आमने सामने खड़ी है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हम जिनको चुनकर भेज रहे हैं, हम जिन पर भरोसा जता रहे हैं, वो हमारे सामने एक एडवर्सरी की तरह खड़े हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, इस बात को अंधा भी देख सकता है और इसकी अनगूंज बहरा भी सुन सकता है कि इस देश में राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक दलों की साख बहुत ज्यादा गिर चुकी है और वो खुद उसके जिम्मेदार हैं, और मुझे इसका बहुत दुख है। ऐसा नहीं मुझे इसकी बहुत खुशी हो, मैं राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स को बुरा नहीं मानता हूं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र उसी से चलता है, ऐसी बात नहीं कि जो अरविंद केजरीवाल को भी एक पार्टी बना के सामने आना पड़ रहा है, आज नहीं कल उनकी पार्टी बनेगी, वो चुनाव में भाग लेंगे और वहां पर इसकी अहमियत है, और एक दिन अचानक जादू के जोर से नई पार्टियां प्रकट नहीं हो जाएंगी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और जो भी पार्टियां हैं उन्हीं से इस देश की राजनीति को काम चलाना पड़ेगा, और इन पार्टियों को अपने अंदर बहुत जबरदस्त संशोधन करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं, 80 के दशक में एक बात सामने आई थी कि विदेशी हाथ जो है इस देश की देश के लोकतंत्र को अस्थिर कर रहा है, इसमें भी तकरीबन उसी से मिलती जुलती बात कही गई है, कांग्रेस की तरफ से भी यही बात कही जा रही है। अब वो विदेशी हाथ क्या है?
जब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, जब राष्ट्रों की सीमाएं जो हैं उस तरीके से सीमांकित, उस तरीके से बहुत सीमांकित तो पवित्र नहीं रह गई हैं, ऐसे एक जमाने में होती थी, पूंजी का दिन रात इधर उधर आना जाना होता है, यहां तक आतंकवादियों को भी पूंजी मिलती है, उद्योग धंधों को धंधों के लिए भी पूंजी मिलती है, सोशल जिस सोशल साइंस की दुनिया से मैं आता हूं उसकी रिसर्च के लिए भी विदेशी मदद मिलती है, पत्रकारिता के लिए विदेशी मदद मिलती है, यहां तक कि मीडिया में विदेशी धन लगा हुआ है। ऐसे वक्त में जब आप विदेशी धन का सवाल उठाते हैं तो ये स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को क्या विदेशी धन जो मिल रहा है वो अवैध स्रोतों से मिल रहा है? अगर अवैध स्रोतों से मिल रहा है तो आप उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लीजिए, एक सेकंड मत लगाइए, उनके खिलाफ सीबीआई आईबी रा जो है सब लगा दीजिए, उनके ऊपर सारे कंपनी मामलों का मंत्रालय सब लगा, सारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड लगा दीजिए, और अगर वो वैध स्रोतों से धन मिल रहा है तो उसके खर्च करने का एक प्रॉपर तरीका है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, आप भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं, उसको उसमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती, ठीक है, फिर इस तरह का ढीला ढाला इल्जाम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। की कोशिश कर रहे हैं जी, या आप कहिए कि ये, या आप कहिए कि अवैध स्रोतों से मिलता है, फिर तो ये अपराध है। अग्रवाल जी, हाँ जी, देखिए ऐसा है, दो विषय आपने उठा दिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और उनका एक्शन, मैं इस बारे में बिल्कुल एक बार साफ कहना चाहता हूं कि राजनीति में आना किसी के लिए बहुत कोई प्रतिबंधित नहीं है, कोई भी आ सकता है देश का नागरिक, केजरीवाल जी आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल जी को कम से कम राजनीति की जो प्रथम सीढ़ियां हैं उनको पार करना चाहिए, अपनी पार्टी, उसका लक्ष्य, उसकी नीति और उसके कार्यकलाप, उसके लोग, उसके पदाधिकारी, ये सब तो सामने आना चाहिए। हमारे पास कम है, हम यहाँ पर एक और कमेंट संजय से भी जानना चाहेंगे, ठीक है, वक्त हमारे पास बहुत कम है, आपके पास संजय आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरी ये बातचीत चली है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए आप, वक्त नहीं है हमारे पास, आपको संक्षिप्त में बोलना होगा जी, मेरी बात ये है, मैं आपसे जो बता रहा हूं कि हमें राजनीति के शुद्धिकरण की आवश्यकता है, आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने की आंदोलन की जरूरत है, मानती है कि शुद्धिकरण की आवश्यकता है, हाँ है, हमने और हमने उसके लिए संघर्ष किया है, हमने हमने हर मौके पर सदन में, संजय आपसे जानना चाहती हूँ क्या कांग्रेस भी ये मानती है कि शुद्धिकरण की जरूरत है? अग्रवाल जी, नहीं नहीं अग्रवाल जी, राजनीति का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का शुद्धिकरण करें, जो उनके अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष जेल में है, दूसरे अध्यक्ष जेल में जाने की तैयारी में है, और जिस अध्यक्ष ने शेल कंपनियां बना करके हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है उसके अध्यक्ष रहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में जो संघर्ष हमने किया है, राजनीति का शुद्धिकरण करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि अग्रवाल जी कांग्रेस की तरफ से नहीं किया है, हम कर रहे हैं, लेकिन संजय अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, अग्रवाल जी आपके लिए भी वक्त नहीं बचा है, प्रोग्राम में भी वक्त नहीं बचा है, और लेकिन जो निकल कर सामने आ रहा है वो बहुत हार्टनिंग, बहुत उत्साहित करने वाला नहीं है, पार्टियां जो हैं आज भी अपने अंदर देखने को तैयार नहीं है, अपनी गलतियों को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको जिन चीजों से इरिटेशन होता है कि आईएसी जैसी पार्टी क्यों आ रही है, वो ऐसा होता रहेगा और बहुत सारी ऐसी पार्टियां आएंगी, ये तो सिर्फ एक ही है। फिलहाल हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।